नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 211 से 214 जो कि कंटेंट्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। आज हम चैप्टर 17 चार्ज स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले पार्ट के अंदर आते हैं सेक्शन 211 से 214 कंटेंट्स ऑफ चार्ज। तो आज हम 211 और 212 डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि चार्ज होता क्या है यार। तो सीआरपीसी की डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 का क्लोज बी के अंदर डेफिनेशन दे रखी चार्ज। चार्ज क्या होता है उसके अंदर दे रखी, चार्ज इज द वन हेड इफ इट कंटेन्स मोर देन मेन वन हेड्स। मतलब कोई भी एक हेड अगर इसके अंदर काफ़ी सारे हेड्स हों तो यार, काफ़ी अजीब सी टिपिकल सी लैंग्वेज है। मैं बताऊँ तो मेरे को तो कुछ साफ समझ में नहीं आया। तो अगर हम इसका जो इसका रियलिटी का में जो मीनिंग है उसका मतलब ये है कि अक्यूज्ड को बताना कि उसके खिलाफ कौन कौन से चार्ज फ्रेम किए गए हैं, उसको किस चीज़ के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये सारी अक्यूज्ड को उस चार्ज के बारे में बताना कि उसके कौन से प्रोविज़न है उसको उसने प्रोहिबिट किया है, कौन सा उसने प्रोविज़न को वायलेट किया है, उसी के बताना ही चार्ज कहलाता है। तो सेक्शन 211 हम बताएंगे कि जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं चार्ज फ्रेम करने के, तो उसमें क्या होगा। पहली बात तो आपको ऑफेंस बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑफेंस है, क्या ऑफेंस है। दूसरी बात, उसका अगर ऑफेंस का कोई नाम है, जैसे मिसोगेमी है, नाम है, एक पर्टिकुलर टर्म है जो डिफाइंड है, तो उसे आपको लिखना पड़ेगा। अगर वो डिफाइंड नहीं है तो आपको उसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी जो लॉ के अंडर दे रखी कि इसको किस तरह से डिफाइन किया गया चार्ज को। अगर वो किसी का प्रोविज़न है किसी सेक्शन में तो कौन सी लॉ में है। जैसे अगर आप सेक्शन 311 की बात करें तो किसके अंदर है वो, तो आपको बताना पड़ेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 311 है ना, इसी हिसाब से आपको वो बताना होगा। दूसरी, अगर अगले की बात करें तो इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि अक्यूज्ड को बताना पड़ेगा कि उसके खिलाफ एलिगेशन कौन से प्रीवियस एलिगेशन लगाए गए हैं। और जो सबसे मेन बात है वो ये है कि उसको एकदम कोर्ट के जो भाषा में, जो जुडिशियल भाषा में जो लिखा जाता है उसी टर्म, ऐसे नहीं कि सिंपल भाषा में लिख दे, उससे एक कोर्ट की भाषा के अंदर लिखना पड़ेगा उसको। जो एक केस है वो है मोशन वर्सेस संक्रू 1982 का केस है। इसके अंदर यही बताया गया कि अगर ये असेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते तो वो एक सही चार्ज नहीं माना जाता। अब हम बात करेंगे सेक्शन 212 के बारे में जो बताता है व्हाट चार्जेस के जो फॉर्म होता है, जो फॉर्म होता है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो उसके अंदर पहली बात तो ये होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम प्लेस। ये जब भी चार्ज फॉर्म होता है उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिगेशन आपने लगाया है, कौन सा प्रोविजन के अंडर लगाया है, कहाँ पे लगाया है, कब लगाया था, कौन सी जगह लगाया था। यार जब भी अगर एक अक्यूज्ड है उसको अगर आपको एक चार्ज फॉर्म देना होता है सबसे पहले, तो उसके अंदर सभी चीज़ें लिखी होती है कि भाई आपको चार्ज क्यों लगाया जा रहा है, किस वजह से लगाया जा रहा है, कौन सा प्रोविज़न लगाया है। उसके बाद में ये पूछा जाता है कि कहाँ पे, कब कब आपने वो वायलेट किया था, कब आपने वो एक्ट किया था जिसके लिए आप क्रिमिनल एक्ट किया था जिसके लिए आपको वहाँ पे चार्ज लगाया जा रहा है। ये सभी चीज़ें चार्ज फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब इसके अंदर ये दे रखा है कि एग्जैक्ट टाइम आपको लिखना पड़ता है ना इसके अंदर, एग्जैक्ट टाइम, प्लेस, डेट, ये सभी लिखनी होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं लिखना पड़ता। जब ये होता है कि जब कोई केस होता है जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इसके अंदर आपका लिखना जरूरी नहीं होता। अब एक केस है जिसका नाम है रणछोड़ लाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1964। अब इसके अंदर ये बता रखा है कि अगर कोई ऐसा केस आता है जिसके अंदर पर्टिकुलरली, मतलब उस टाइम क्या इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि पर्टिकुलर उस टाइम में क्या टाइम था, और इसमें जब आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है, फेलर ऑफ मेंशनिंग द पर्टिकुलर प्रिसाइजली ड्यू टू नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके कोर्ट के पास इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर नहीं है आई है कि कौन से टाइम पे किस टाइम पे हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते। अगर इन्फॉर्मेशन ही पूरी ढंग से नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते। अगर प्लेस, डेट और आपने वो बता दिया है कि कौन सा आपने वॉयलेट किया, कौन सा सेक्शन है, किस चीज़ के लिए आपको पकड़ा जा रहा है, तो वो माना जाएगा। अगर लेकिन ऐसा कुछ नेचर ही हो यार, कुछ एक्ट का ऐसा कुछ नेचर हो कि जिसके अंदर टाइम पता ही नहीं चल सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार वो एक एसेंशियल माना जाता है टाइम। लेकिन ऐसा ही कोई नेचर हो तो
जरूरी नहीं होता कि मतलब फिर ऐसे नहीं है कि आप चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते, चार्ज फ्रेम होगा। तो ये बताया गया रणछोड़ लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1964 के अंदर। तो होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। मैंने एक आपको एक सिंपल भाषा में जो बोलते हैं ना, जो भी मैंने अभी पढ़ा है, मैंने सभी चीज़ रिसर्च की है, तो मेरे को जो सिंपल भाषा में जो मैं इसका आपको बता सकता हूँ मतलब, वो मैंने आपको बताया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी सारी वीडियोस देख लो, 5-6 वीडियोस हैं। और रोज़ इसी टाइम पे, मतलब हो सकता है आज 1-2 मिनट हो गए, लेकिन मेरा 10 बजे का जो टाइम होता है रात को, वो हर दिन आपको वीडियो लॉक से रिलेटेड मिलेगी। तो वीडियो को आप शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि 10 बजे अगर आपको टाइम याद नहीं रहेगा 10 बजे, तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन देता है। अगर आप 10 बजे के बाद में भी देखें तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई वीडियो आ रखी, तो आप उसको पढ़ सकें। तो यही थी वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।